तो कैसे हो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू वीडियो कि आप प्रोफेशनल की तरह कैसे एक फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। कुछ ही स्टेप में आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करते जाइए, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप इसी तरीके से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी मेरी न्यू वीडियो की। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पिकआर्ट को ओपन कर लीजिए। पिकआर्ट ओपन करने के बाद आपको कुछ पिक्चर सेट कर ऐड करनी होगी, आप कुछ PNG सेट करनी होगी। उसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे PNG मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तब जाके सारे PNG को डाउनलोड कर लीजिए पहले। उसके बाद हम PNG एक पहले PNG को ऐड कर लेंगे जिसे हम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। अब देख सकते हैं लाइटिंग PNG है जो बैकग्राउंड में लाइट का इफेक्ट देगी, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप उसे ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हम एक मॉडल की पिक्चर ऐड करेंगे, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऐड पिक्चर की ऑप्शन है, उसे आप क्लिक करके आप अपनी जो मॉडल की पिक्चर है, जो अपनी पिक्चर है उसे आप ऐड कर लीजिए। मैं मॉडल की पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। मॉडल की पिक्चर ऐड करने के बाद में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पहले से रिमूव है। आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो अब जाके आई बटन पर मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैंने किसी ईजी तरीक़ा से बैकग्राउंड को रिमूव किया है। बैकग्राउंड ईजी तरीक़ा से रिमूव हो जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे पहले वीडियो। ऐड फोटो को ऐड करने के बाद आपको दूसरी PNG ऐड करनी है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। उसको ऐड करने के बाद आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लीजिए, अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए आपको कितनी बड़ी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लेंड का ऑप्शन है, ब्लेंड का ऑप्शन के बाद जाने के बाद आपको स्क्रीन कर देनी है। स्क्रीन कर देने के बाद आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आपको ही दिखाना है कि लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। उसे ऐड करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे फ़ोटो कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। उसके बाद आपको तीसरी PNG ऐड करनी है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसे ऐड करने के बाद उसी तरीक़ा से आप उसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए, जिस हिसाब से आपकी फ़ोटो है उस हिसाब से आप स्क्रीन, उसके बाद आप स्क्रीन कर दीजिए उसे। हाँ, उसके बाद आप जाके उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी फ़ोटो लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं हमारी फ़ोटो लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। आप ज़्यादा कुछ ही स्टेप में आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप ड्रॉ में जाके उस फ़ोटो को सेव कर लीजिए। ड्रॉ में जाने के बाद देख सकते हैं लेफ्ट साइड 3 डॉटेड बटन है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके आप सेव फोटो सेव इमेज कर लीजिए। मैं दिखा देता हूँ आपको गैलरी में जाके, देख सकते हैं हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है लगभग। उसे एडिट करने के बाद हम लाइट रूम जाएंगे, लाइट रूम में उसे हम एडिट करेंगे। तो लाइट रूम में उसे ऐड करने के बाद आप ओपन कर लीजिए लाइट रूम में, थोड़ा टाइम लगेगा, उसे ओपन कर लीजिए। उसे ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आ चुकी है। उसे ओपन करने के बाद आप लाइट में जाके थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, हल्का सा। उसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट को हल्का प्लस कर देता हूँ, इसे भी प्लस, इसे थोड़ा सा माइनस, इसे भी माइनस और इसे भी माइनस। उसके बाद आप इस पे जाके इसे टेम्परेचर को हल्का सा माइनस करेंगे, क्योंकि ब्लू लाइट में है तो टेम्परेचर माइनस करने से थोड़ी पिक्चर अच्छी लगेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ के बाद आप कलर में जाने के बाद आप उसे रेड में जाने के बाद आप फेस को आप चेंज कर सकते हैं। फेस का कलर जो है उसे आप बढ़ा दीजिए, ऑरेंज को आप कम। उसके बाद इस पे चल जाइए, उसके बाद हम इसे यहाँ से चेंज कर लेते हैं हल्का ब्लू। मेन यहाँ पे ब्लू कलर है, स्काई ब्लू और डार्क ब्लू है, उसे हम लोग को चेंज करनी है। आपको जिस हिसाब से चाहिए, जिस हिसाब से डार्क ब्लू या स्काई ब्लू में चाहिए, उसके अपने हिसाब से उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसे आप जाके चेंज कर लीजिए। उसके बाद पर्पल आप थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ा दीजिए, किसी को नीचे वाला को कम कर दीजिए। वायु जो है उसे हम कम ही रखेंगे ज़्यादातर। आप सबको एक देख सकते हैं यहाँ पे हो चुके। उसके बाद हम क्लियरिटी को हल्का बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा कम कर देंगे। देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पे कंप्लीट है लगभग, यहाँ पे हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। मैं दिखा देता हूँ आपको उसके बाद आप देख के सेव कर सकते हैं। आपको जिस क्वालिटी में चाहिए, मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ पहले कैसे थी, अब कैसी है हमारी फ़ोटो। पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो चुकी है।
मैं आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ कि हमारी फ़ोटो कैसी कैसी थी पहले, कभी कैसी है। देख सकते हैं हमारी फ़ोटो ऐसी थी पहले, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि क्वालिटी भी ठीक आई है हमारी फ़ोटो की। हमारी फ़ोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहले हमारी फ़ोटो किस कैसी थी, अब हमारी फ़ोटो कैसी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी तक जाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।